नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। पुरानी रंजिश को लेकर पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या, गांव में तनाव, पुलिस जांच में जुटी। रानी की सराय थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव की घटना। आजमगढ़ जनपद के रानी की सराय थाना क्षेत्र के अलीपुर ग्राम सभा के पूर्व प्रधान राजेश यादव उर्फ टाइगर की गोली मारकर शनिवार की देर शाम हत्या कर दी गई। घटना के बाद हड़कंप मच गया। वर्तमान में राजेश यादव के भाई की पत्नी प्रधान और राजेश यादव की पत्नी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। गंभीर हालत में पूर्व प्रधान को जिला मुख्यालय स्थित नर्सिंग होम लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। पूर्व प्रधान की हत्या से गांव में तनाव है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रभारी एसपी पंकज कुमार पांडे भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और आक्रोशित परिजनों ने शव पुलिस को कब्जे में लेने नहीं दिया। तनाव को देखते हुए गांव में फोर्स तैनात है। प्रभारी एसपी ने कहा कि राजेश यादव ने एक जमीन ली थी, उसी सिलसिले में वह गांव के ही एक व्यक्ति के यहां बैठे थे, तभी पुरानी रंजिश को लेकर गांव में कुछ लोगों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम के साथ पुलिस जांच में जुटी। प्राइम न्यूज 24 से अली असगर आजम की रिपोर्ट। प्रधान की हत्या कर चुकी है, क्या मामला निकल के आया है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इसमें ये राजेश जो है राजेश यादव, आज इन्होंने एक जमीन दिखाई है, सीताराम शर्मा और छोटे लाल, उन्हीं के घर पर ये बैठे हुए थे। जमीन संबंधी खरीदारी का जो समूह हुआ था उसी में इनको बुला के ये लोग ले गए थे। बाद में इनके द्वारा ये बताया गया कि गाँव के दीपक ज्ञानशेखर और अभेश, जिनसे इनकी पहले से कोई रंजिश भी चली थी, इन्होंने गोली मार के इनकी हत्या कर दी। अभी इनके द्वारा जो तहरीर अपराध थे, पुलिस द्वारा जो है तहरीर प्राप्त होने इनसे हम डेड बॉडी जो है कब्जे में लेकर जो है कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है और तहरीर प्राप्त होने पर हत्या की मोटिव क्या रहा है, क्या वजह है हत्या का? मोटिव जो प्रथम दृष्टया भी जो तहरीर अपराध है, इसलिए मोटिव तभी स्पष्ट होगा जब ये तहरीर प्राप्त होगी। और बाकी प्रथम दृष्टया ये जानकारी है, इनकी पूर्व से रंजिश प्रचलित थी। घटना घटी है, ये हमारे भाई हैं प्रधान प्रतिनिधि काम कर रहे थे, पहले उनसे जमीनी विवाद, फिर कोटा को लेकर राशन गांव में नहीं बांट रहे थे, फ्री आ रहा था उसका विवाद लेके, और कुछ जमीन हमारी कब्जा किए हैं उसका विवाद लेके, सब इनको हमारे यहाँ गांव में कोई शादी थी वहाँ नहीं पहुंच पाए, तो आज वो बुलाए थे तो उनके यहाँ वो थे नहीं, वो आज आए थे उनके घर गए थे, उनके घर गए तो उनके वहाँ पटीदार उदार जो हैं उनके खिलाफ थे, वो बुला के उन साजिश के तहत उन पर गोली चलवाए हैं। बीच में विवाद भी हुआ था, मारपीट भी हुआ था, तो पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई थी? पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस की तरफ से हमारे यहाँ एक जो पटीदार है उनके यहाँ गया, गया उनको मारे थे तो उनको लेके थाने पे गया, गया तो कह रहे हैं कट्टा कभी देखे हो, यशो साहब वहाँ से इनकार करके उसको हटा दिए, इनको साजिश की तरह से हम पहले से फंसाया जा रहा है। अच्छा, कितना दिन से विवाद था? विवाद ये चल रहा है मुझे मेरे ख्याल से सालों से चल रहा है, लॉकडाउन। अब तक कोई कार्रवाई नहीं थी? कोई कार्रवाई नहीं।